रिया चक्रवर्ती से ईडी ने सुशांत केस में 8.5 से 9 घंटे पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में रिया ईडी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, या फिर कहा जाए कि रिया ने ईडी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें कल फिर जांच के लिए बुलाया गया है। लेकिन रिया से पूछताछ में कितने सवाल पूछे गए और उनका जवाब रिया ने क्या क्या दिया, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। रिया से ईडी ने पूछताछ में कुल 210 सवाल पूछे थे। जी हाँ, 210 सवाल पूछे थे, लेकिन रिया ने इन 210 सवाल में से सिर्फ और सिर्फ 6 सवालों का जवाब ढंग से दिया। इसके अलावा बाकी 204 सवालों का जवाब उन्होंने एक ही दिया कि मुझे याद नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रिया ने ईडी के सिर्फ और सिर्फ 6 सवालों का ही जवाब दिया और बाकी सभी सवालों का उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया है कि उन्हें नहीं याद। और तो और, रिया से जब पूछा गया कि उनका और सुशांत का क्या रिश्ता है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उन्हें नहीं याद कि उनका और सुशांत का क्या रिश्ता था। मतलब हद है। रिया ने पहले तो सीबीआई जांच की मांग की और अपने आप को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताया, लेकिन जब सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया और इस केस की जांच शुरू हुई तो उसे लीगल और असंवैधानिक बता दिया। और अब जब ईडी ने सवाल पूछा कि सुशांत से तुम्हारा क्या रिश्ता था, तो तुमने बोल दिया कि मुझे नहीं याद। मतलब इतना सफेद झूठ जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद रिया अभी भी सपने में ही है और ये सोच रही है कि वो ये बयान मुंबई पुलिस को दे रही है, ना कि ईडी को। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को कल ईडी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जिस तरह रिया ने ईडी को जवाब दिए हैं, उससे वो ईडी के शक के घेरे में आ चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो कल गिरफ्तार होती हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।